परिच्छेद क्रमांक 5 का अध्ययन करते हैं। इस परिच्छेद में अमरनाथ जी कहते हैं, मैं आनंद में हूं। वे सुबह उठते अपनी व्हील चेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों का कलवर सुनते, सूखे पत्तों के झरने की आवाज, कलियों की चटकने की आवाजें उन्हें सुनाई देती, उन्हें ओस की टिप टिप, पत्तियों के खुलने की धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियां बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर एक उजास दीप था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते, दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते थे जैसे भी हो वे जो चाहते हो करें, वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे। इस समय अल्बेर कामू का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित होता है। ईश्वर कुरर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वो मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है, जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ती है उसी क्रम से वो एक एक अंग के भाग कर मुझे मरवा रहा है। मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूं जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। वे सोचते सारे गति अवरोध समाप्त हो, निर्बंध हूं मैं। जीवन का एक हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति मानो जैसे जीने के लिए वो बेकरार है। मेरे लिए अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष में मुझे निर्भय कर देती है। इस तरीके से इस वर्णनात्मक कहानी में कमल कुमारी जी हमें इस बात का संदेश दे रही हैं कि हमने हमेशा हमारे साथ में जो भी दुर्घटनाएं होती है उससे विचलित ना होते हुए हमने उससे कुछ सीख सीखना चाहिए और अपने जीवन को प्रगति पथ पर लेकर जाना चाहिए, ना के हार कर घर पर बैठ जाना चाहिए। इसी संदेश को कमल कुमारी जी इस कहानी के माध्यम से हमें बता रही है।